जो दस दिया, जहां 1 लाख की नौकरी की बात करते थे, आपने 10,000 लगाया, उनको तो लगा लो। उसके बाद हम कहें कि आपने रोजगार दिया है, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है जो इनकी पेमेंट बची है, जो 10,000 निकाले उनकी पेमेंट जो बची है उनको जल्द दिया जाए, ताकि उनके बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी फीस भी देना पड़ती है, उनकी किताबें भी लेना पड़ती है, और अन्य जो जो कार्य होते हैं, इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ना है। इस तरह का मेरा आपसे आग्रह है माननीय महोदय। इस तरह गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर की बात आई, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि लिस्ट दीजिए, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने सेक्रेटरी महोदय के पास सुबह लिस्ट दे दी है, मेरे आईपी जो पीडब्ल्यू में 50 जो ठेकेदार है गवर्नमेंट कंट्रोल, उनको आज तक कोई पेमेंट नहीं। और बातें हैं जहां जेबीटी टीजीटी आर्ट्स और नॉन मेडिकल मेडिकल इनकी काउंसलिंग हो चुकी है, उनके आदेश जारी की दीजिए, क्यों उनको ठहराए। 40-45 साल के बच्चे हो गए हो, 40-45 साल के बच्चे हो गए, बोर्ड का फैसला हो चुका है, आप बोर्ड को नहीं मान रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार को समझाइए कि कोर्ट को भी निरस्त कर रही है, ये सुप्रीम कोर्ट को भी आवे कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा इन बच्चों को जो 40-45 साल जो आप दिन मैडम कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि इन बच्चों को वो ध्यान दीजिए, ताकि ये भी आपका व्यवस्था पतन दे सके, ये मेरा आपसे कहना है। इस तरह जो को रोजगार देने की बात करती है, हमारे नौजवान साथी जो बाहर शीतलहर में बैठे हैं, कई लोग हॉस्पिटल में दाखिल भी हैं, लेकिन सरकार उनकी चिंता नहीं कर रही है। ऐसे लोग हैं जो 2500 के लगभग लोग हैं और जिन्होंने शिक्षा पास की है, जैसे जियो आई टी 800 कोड नंबर 1867 सीटें इसकी है, और 4732 लोग बच्चों ने जो पेपर दिए वो पास हो चुके हैं, लेकिन इसका रिजल्ट नहीं निकाला जा रहा है। इस तरह जियो आई टी 903 कोड 82 इसमें सीटें हैं, और 272 लोगों ने इसमें अपीयरेंस की है, जो मतलब परीक्षा पास की है। इस तरह जियो आई टी 939 उसमें 295 लोगों की सीटें हैं, बच्चों की सीटें हैं, और 295 लोगों ने इस सीट इन रिजल्टों को पास किया है। इस तरह ड्राइंग मास्टर की बात करूं, जो 980 सीटें हैं और 314 लोगों ने इस सीट को जो है पास किया है, और 970 व्यक्तियों ने जो उसको मतलब पेपर दिए हैं, तो कुल मिला के 2558 लोग इसमें उत्तीर्ण हो चुके हैं, और 1570 व्यक्तियों ने जो इसको मतलब रिजल्ट में अपील हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इन रोजगारों को जो आज बाहर बैठे हैं, शीत में बीमार हो रहे हैं, और अपना घर बार छोड़कर मेरी बेटियां बहनें बहुत सी ऐसी बैठी हैं, लेकिन सरकार की ऐसी कोई चिंता नहीं है, जो इन बच्चों का जो शोषण किया जा रहा है, और इस शीतलहर में जो उनका बहुत ही स्वास्थ्य खराब हो रहा है। मेरा माननीय महोदय से निवेदन है कि इन बच्चों की चिंता करें। आप रोजगार की बात करते हैं, सरकार रोजगार देने की बात करते हैं, ये ढाका रोजगार जो बच्चे कई दिनों से सड़कों में बैठे हैं, तो माननीय